हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल रेलवे जानकारी में। दोस्तों, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन पटरी से उतर जाती है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन कभी पटरी से नहीं उतरती। इमरजेंसी ब्रेक ट्रेनों में इसीलिए दिए जाते हैं ताकि ट्रेन को किसी भी असामान्य स्थिति में सुरक्षित रोका जा सके। दोस्तों, ट्रेन के पटरी से उतरने का मुख्य कारण रेल की पटरी या डिब्बों में तकनीकी खराबी होने की वजह से होता है। यदि किसी आपातकालीन स्थिति में ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है तो कभी भी ट्रेन पटरी से डीरेल नहीं होती। दोस्तों, इमरजेंसी ब्रेक कैसे काम करते हैं यह जानने के लिए आपको रेलवे के एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आसान भाषा में कहें तो रेल का इंजन और उसके डब्बे एक पाइप से जुड़े होते हैं जिसमें कंप्रेस्ड एयर भरी होती है। दोस्तों, यह पाइप नायलॉन के बने होते हैं। यह कंप्रेस्ड एयर लोकोमोटिव में लगे एयर कंप्रेसर से आती है जो कि एक सामान्य एयर पाइप से हर डिब्बों में बांटी जाती है। यह पाइप डिब्बों के निचले हिस्से में लगे होते हैं जिन्हें हम एयर पाइप भी कहते हैं। दोस्तों, इन पाइपों में एयर का दबाव बहुत ही ज़्यादा होता है जिसे कम या ज़्यादा करके व्हील पर लगे ब्रेक शू को आगे या पीछे किया जा सकता है। इन पाइपों में एयर के दबाव को कम करने के लिए लोकोमोटिव में एक लीवर दिया जाता है जिस लीवर को लोको पायलट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस लीवर को ब्रेक लीवर भी कहते हैं जिसके खींचने से ब्रेक लग जाती है। दोस्तों, जब लोको पायलट लीवर को खींचता है तो एयर पाइप में दबाव बहुत कम होने लग जाता है जिसकी वजह से ब्रेक शू व्हील पर रगड़ खाने लगते हैं और वह ट्रेन को रोकने लगते हैं। दोस्तों, इस लीवर की एक सीमा होती है। यदि इसे किसी दिए गए मार्किंग से ज़्यादा खींचा जाए तो इमरजेंसी ब्रेक्स लग जाते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने पर भी ट्रेन 800 या 1000 मीटर की दूरी के बाद ही जाकर रुकती हैं। दोस्तों, यह एक छोटी सी जानकारी थी जिसे हमने आपके साथ शेयर किया। यदि आपके भी कोई इसके बारे में सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।